हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आपका रफ़ी सर और आज मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट में हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे करेंगे ट्रिक से मेरे उसके बारे में आइडिया देने जा रहा हूं। तो देखो, अगर हाइड्रोकार्बन की हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन यहाँ पर जो हम कंसिडर कर रहे हैं वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, और जब इसको कंबस्ट करोगे आप, डैट मीन्स बर्न करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट इज फिक्स, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा कंप्लीट कंबशन पे। अगर इनकम्प्लीट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की जगह, बस डिफरेंस यही होगा। क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो कंप्लीट कंबशन लेते हैं। नाउ हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वी नो कि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, तो इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे? तो उसके लिए मेरा सिंपल सा ट्रिक्स देखिए, चोर वर्ड याद रखना है। डैट मीन्स सबसे पहले आपको कार्बन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन को। इसलिए मैंने चोर वर्ड बनाया है, कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को, और रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन में बन किया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है बहुत ही सिंपल, तीन कार्बन यहाँ दिख रहे हैं तो तीन आप यहाँ लगा दें। पहले कार्बन को बैलेंस कर लिया, अब हाइड्रोजन को करना है। हाइड्रोजन 6 है, यहाँ ऑलरेडी 2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा, तो 6 हाइड्रोजन हो गया। अब किसको करना है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितने हो गए इधर, 6 और 3 9, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 9/2। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 2 है, 9/2 × 2 कितना हो गया, 9। तो देखो कितना ईजी वे में सॉल्व हो गया, ये ईजिली बैलेंस कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल लिया हूँ, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, आप भी मेरे साथ साथ करें। देखो 4 कार्बन है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे। 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे आपको 4 करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 4 × 8 होगा। और ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो इधर कितना हो गया, 8 और + 4 = 12, तो यहाँ कितना करना पड़ेगा, 6। ध्यान दें कि ये मैंने एग्जांपल लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ भी 3 आएगा तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा तो यहाँ 4 आएगा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ये तो ऐसा एग्जांपल आ गया कि ये हो रहा है। मेन थिंग इज कि आपको पहले कार्बन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। हाँ, यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान से देखना है कि अगर यहाँ पे वाटर के आगे का कोफिशेंट अगर इवन नंबर आ रहा है, ध्यान से देखो, वाटर के आगे का कोफिशेंट अगर इवन नंबर आ रहा है तो ऑक्सीजन के आगे का कोफिशेंट आपको क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। अगर वाटर के आगे का कोफिशेंट इवन नंबर है तो ऑक्सीजन के आगे का कोफिशेंट आपको इंटीजर होगा, बट अगर वाटर के आगे का कोफिशेंट ऑड नंबर है, ध्यान से देखो ऑड नंबर है, तो आपको ऑक्सीजन के आगे का कोफिशेंट फ्रैक्शन मिलेगा। इस पॉइंट को मैं आगे यूज भी करने वाला हूँ और ये मेरे ट्रिक का पॉइंट है, इसको ध्यान देना। अगर वाटर के आगे का कोफिशेंट इवन नंबर है तो ऑक्सीजन के आगे का जो कोफिशेंट है वो इंटीजर मिलेगा, और अगर ऑड है तो आपको फ्रैक्शन में मिलेंगे। नाउ इन जनरल सर रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे वो भी बता दीजिए, तो उसके लिए भी सिंपल सा पॉइंट है, वही लगाना चोर वर्ड, कि अगर इन जनरल हमें बैलेंस करना हो कि कार्बन के कुछ एक्स है, हाइड्रोजन के कुछ वाई हैं, तो कैसे इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करना है। इसको बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, यहाँ पे एक्स कार्बन है तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एक्स लगा दूंगा। यहाँ पे वाई हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 आपका हो चुका है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y/2 करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, y/2 × 2 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन यहां से कितना मिल गया आपको, 2x, और ऑक्सीजन यहां से कितना मिल गया, y/2। तो यहां जो ऑक्सीजन है वो ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, मतलब मुझे इसका हाफ लेना पड़ेगा, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, x, और इसका हाफ कितना हो जाएगा, y/2 का हाफ, y/4। तो ये ऑक्सीजन आपको यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके आगे का कोफिशेंट x + y/4, क्योंकि उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + y/2, जो कि यहाँ से आ गया।
तो बहुत इजी है बैलेंस करना, ये मेरा ट्रिक हो गया। अब इस पे बेस हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कि 6 लीटर आपने किसी एल्कीन का लिया है और 27 लीटर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उसमें फॉर कंप्लीट कंबशन, तो वो एल्कीन कौन सा होगा। तो एक तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि आप सारे एल्कीन को कंबस करा के देखें और देखें कि किसके 6 लीटर से 27 लीटर ऑक्सीजन रिक्वायर हो रहा है। बट एग्ज़ाम में इतना टाइम भी नहीं रहता और जेई या नीट वालों को ऐसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उसको तो स्मार्ट पीपल चाहिए, कैलकुलेशन से उसको मतलब नहीं होता है। तो कैसे हम इसको सिंपल ट्रिक से करेंगे, तो देखिए रफ़ी सर कैसे सोच रहे हैं, वैसे ही आपको अपनी थिंकिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, वैसे ही आपको सोचना पड़ेगा। देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ, सिंपल सा लॉजिक कि वी नो कि मोल ऑलवेज उसके स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में रिएक्ट होते हैं, वैसे ही वॉल्यूम भी उसके स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में रिएक्ट होंगे। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर मैं लूँ, सपोज करो मैंने लिया कोई भी हाइड्रोकार्बन, मैं एज्यूम कर लेता हूँ, मान लो C3H8 है मेरे पास, जस्ट सपोज कर रहा हूँ, प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस वाटर। नाउ द क्वेश्चन इज कि बैलेंस कैसे करते थे, तो यहाँ पे 3 लेते थे, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 4 करते थे, 6 और 4 10 हो गया तो यहाँ पे 5 करते थे। मेरा जो कहने का कंसेप्ट है कि यहाँ पे आप ऑलवेज 1 रख दो और यहाँ पे 5 है, डैट मीन्स ये क्या बताना चाह रहा है कि इसका 1 मोल तो इसका 5 मोल, इसका 1 लीटर तो इसका 5 लीटर रिएक्ट होगा। तो वही कंसेप्ट को मैं यूज कर रहा हूँ कि अगर 6 लीटर आपका एल्कीन है और 27 लीटर ऑक्सीजन चाहिए तो इनका रेशियो कितना हो गया, 27/6 डैट इज 4.5 या फिर 9/2, ये रेशियो है। एक पॉइंट और मैंने ट्रिक में दिया था कि यहाँ अगर इवन नंबर होगा तो यहाँ पे इंटीजर आएगा, यहाँ पे अगर ऑड नंबर होगा तो यहाँ पे फ्रैक्शन आएगा, और यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है रेशियो वो फ्रैक्शन मिल रहा, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, अगर ये 4 वाला लोगे आप हाइड्रोजन 4 वाला, तो वहाँ पे 2H2O इवन आएगा तो ये नहीं हो सकता। वैसे ही 6 लिया तो वहाँ पे 3 आएगा, यस ये पॉसिबिलिटी है। 8 लिया वहाँ पे 4 आएगा, 4H2O तो ये नहीं हो सकता। 10 लिया तो यस वहाँ पे 5, ये पॉसिबिलिटी है, तो हमारा ऑप्शन बी या डी होगा। तो इतना फटाक से सोच लेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि इन दोनों में कौन होगा, तो एक चीज़ और देखो, जितना आप कार्बन लोगे उससे ज़्यादा आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, हमारे पास ऑक्सीजन है ही कितना, 4.5, 5 से कम तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी 5 कार्बन है, तो इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा होगा, बी। नाउ अगर वेरीफाई करना चाहते हो, अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप करके देख लो, C3H6+O2 गिव्स यू CO2+ वाटर। चूंकि एल्कीन बोल रहा था, यहाँ पे सारे ऑप्शन में एल्कीन था, अगर कोई एल्केन होता एल्काइन होता तो हम पहले ही रिजेक्ट कर देते। नाउ बैलेंस कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, 3 है तो यहाँ पे आप कर देंगे 3, 6 है तो इसी की बात मैं कर रहा था, ये क्या आया ऑड नंबर, ये क्या आ गया ऑड नंबर, इसीलिए यहाँ पे भी आपको फ्रैक्शन आने वाला है। कैसे, 6 और 3 9, तो यहाँ पे क्या जाएगा 9/2। तो आप देख सकते हो कि ये 1:9/2 में, तो इसलिए 6:2, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो यही तो पूछा था कि 6 से 27 रिक्वायर्ड है तो कौन सा होगा, तो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में रिएक्ट करते हैं, देख सकते हो 1:9/2 है, ये भी 6:27 भी क्या है 1:9/2 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि व्हेन ए हाइड्रोकार्बन अंडरगोज कंप्लीट कंबशन, आपको क्या मिल रहा है 11 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, रिक्वायर्स 11 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 4 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर। दैट मींस एक हाइड्रोकार्बन को जब बर्न कर रहे हैं तो 11 मोल्स ऑक्सीजन के चाहिए, जिससे 4 मोल्स वाटर के प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे इक्विवेलेंट का मतलब मोल्स है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में सेम इक्विवेलेंट रिएक्ट होते हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट सेम नहीं मतलब वो मोल्स हैं। नाउ एनी हाउ, तो वो ये कहना चाह रहा है कि हाइड्रोकार्बन को बन किया तो 11 मोल ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड हो रहा है, 4 मोल वाटर, तो मॉलिकुलर फार्मूला क्या होगा। अगेन इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, सबको कंबस करा के देखेंगे और वो करेंगे, उतना टाइम तो होता नहीं है। फिर से रफ़ी सर का माइंड लगाइए, देखिए कैसे करता हूँ मैं। आप ध्यान से देखो, मुझे कितना मोल चाहिए वाटर, 4, तो डैट मीन्स उधर कैसा आ रहा है, वाटर में इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, और
फोर आ रहा है तो फोर कब आ सकता है, जब एट हो तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि एट होंगे तो फोर हेस्ट्रो करना पड़ेगा, ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो हमारा तीन ऑप्शन पॉसिबल है क्योंकि फोर, और 11 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के चाहिए, ऑक्सीजन का जितना भी मॉलिक्यूल चाहिए उससे कम कार्बन होगा, तो आप 11 कार्बन वाले को तो आप हटा दें आप, क्यों, क्योंकि जितना भी ऑक्सीजन चाहिए, 11 ऑक्सीजन चाहिए तो कार्बन उससे कम होना चाहिए, तो यहाँ पे 11 वाले गए तो ऑप्शन कौन बचा चाहिए ना। अगेन सर पे भरोसा नहीं है तो देखिए करवा देते हैं अभी फिर से, C9H8 को बर्न किया ऑक्सीजन में क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाउ द क्वेश्चन इज बैलेंस कैसे करेंगे, रफी सर का ट्रिक, 9 है तो 9CO2, 8 है तो 4H2O, कितने हो गए 18 और प्लस 4 22, तो कितना जाएगा 11, तो इसी को तो पूछा था उसने, यही तो खेल है। देखो 4 मॉलिक्यूल वाटर का और 11 ऑक्सीजन का, तो मैंने क्या कंसेप्ट लगाया था कि भाई अगर 4 चाहिए तुम्हें तो इसका मतलब इवन नंबर वाला है यहाँ पे, तो 8 होगा तभी 4 होगा, तो 8 वाला ये था और ये था, इसलिए ये गया। नाउ हमने ये फिर एक और लगाया कि जितना कार्बन आप लोगे इधर उससे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन आपको 11 है तो कार्बन उससे कम चाहिए, तो 11 वाला तो पॉसिबल ही नहीं था, तो एक ही ऑप्शन। तो वही चीज़ है, इस बात को समझे, इस क्वेश्चन को समझे, मेरे इस कंसेप्ट को समझे, थिंकिंग को समझे कि किस तरीके से वो पूछता है। इस क्वेश्चन को नीट या जेई वालों को बनाने का ये मतलब नहीं है कि बच्चे को वो रिएक्शन कंबस्ट करने आ रहा है कि नहीं, बैलेंस करने आ रहे हैं, उसको इस क्वेश्चन को फ्रेम करने का उसका मतलब है कि बच्चे इस प्रॉब्लम को विद इन 1 मिनट में कैसे थिंक कर रहे हैं, वो थिंकिंग पावर को आपका चेक करना चाहता है। नाउ एक क्वेश्चन और देखें कि आपको पूछा जा रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला CXHY है जो कि 6 times वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है उसको O2 का, खुद के वॉल्यूम का, और 4 times उसका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है खुद के वॉल्यूम का। तो अगेन सेम पॉइंट हुआ कि CXHY प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस वाटर। अगेन देखें रफी सर कैसे थिंक कर रहे हैं, तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 रख दो, तो उसने आपको क्या दिया है कि 6 times इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ O2, O2 क्या या कोफिशिएंट कितना आ रहा है 6, क्योंकि ये अपने का 6 times रिक्वायर्ड होता है इसको, और 4 times इसका कितना दे रहा है 4, तो आप खुद ही सोचो यहाँ 4 आने का मतलब क्या है कि यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा तो x कितना हो जाएगा 4, x शुड बी 4 क्योंकि यहाँ 4 होना है। नाउ अगर x 4 हो गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने में ऑलरेडी x प्लस वाई बाई 4 आता था, तो 4 to the 8 ऑक्सीजन हो चुका है, और यहाँ भी 4 to the, तो जो भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आएगा वो यहाँ की वजह से आएगा। हमें कितना चाहिए तो सिर्फ 6 times चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे 2H2 करूँगा तो 2 ऑक्सीजन आएगा, ध्यान दो 2H2 करूँगा तो 2 ऑक्सीजन आएगा, लेकिन वहाँ पे y by 4 है तो हमें कितना करना पड़ेगा, तो वो सिंपल आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे x प्लस y by 4 है, x प्लस y by 4 शुड बी इक्वल टू कितना 6, x प्लस y by 4 शुड बी इक्वल टू 6, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो y आ जाएगा 8। या आप ऐसे भी थिंक कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 4 लूँगा तो फिर 4 ऑक्सीजन होंगे और 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो इसलिए y मतलब हाइड्रोजन का नंबर पूछा था, तो आंसर विल बी 8, क्योंकि जब 4 होंगे तो यहाँ पे 4 by 4 कितना हो जाएगा आपका 1, तो भी ये 4 plus और 2 6 आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला CXHY दे दिया है और जिसके कंबशन से ये जो हाइड्रोकार्बन है वो 6 times ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है इसको और 4 times इसको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तो Y की वैल्यू क्या होगी। तो अभी आपको बताया था जब भी CXHY होगा प्लस O2 होंगे तो यू विल गेट CO2 प्लस वाटर, तो यहाँ जितना x होगा उतना ही यहाँ XCO2 होगा, तो इसके बारे में गिवन है कि CO2 का कितना चाहिए उसको 4 times, इसका मतलब x की वैल्यू डायरेक्ट मैं क्या लिख दूंगा 4, और यहाँ पे क्या आता था x प्लस y by 4, तो x प्लस y by 4 कितना होना चाहिए 6, क्यों, क्योंकि 6 times बोल रहा है, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा
8, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 8। तो आप देख सकते हो कैसे इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सर ऐसे क्वेश्चन को भी कैसे थिंक करते हैं, तो बहुत सिंपल है, 4 मॉलिक्यूल CO2 का चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 करते तो 8 ऑक्सीजन हो जाता, और 6 टाइम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना हो रहा है। अब ध्यान से देखो, 4 इसका x आता है तो एक्स्ट्रा 4 आपका ऑक्सीजन हो रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि 4 to the 8 प्लस 2 12, तो 4 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हो रहा है। 4 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कब होगा, जब यहाँ पे 4 होंगे तो, और यहाँ पे 4 होने का मतलब कितना हाइड्रोजन, 8, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। तो ऑलवेज आपको इस टाइप से थिंक करना है। नाउ एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के अमाउंट ऑफ ब्यूटेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 72 ग्राम वाटर ऑन कंप्लीट कंबशन। तो ब्यूटेन लेना आपको C4H10, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे, CO2 प्लस वाटर, बैलेंस 4 करना है तो यहाँ 4, 10 है तो यहाँ 5, 8 और 5 13, तो यहाँ 13/2 क्विकली बैलेंस हो गया। अब क्या कह रहा है कि 72 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करना है, तो वाटर यहाँ ले लो 72 ग्राम, मतलब मोल्स कितना हो गया इसका, यहाँ से 4 मोल्स। तो अब ध्यान से देखो, हमने क्या ट्रिक आपको दिया था कि जो भी मोल्स गिवन होंगे उसके इसको स्टॉकोमेट्री से डिवाइड करो 4/5 और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें इसका निकालना है, इसका स्टॉकोमेट्री 1 × 4/5, तो ये आ गए इसके मोल्स, लेकिन मोल्स ने निकाल करके हमें मास निकालना है, तो मास इसका कितना हो जाएगा, 58 मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में बच्चे टाइम ले लेते हैं, भाई 58 है तो इसको 60 ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे क्या होगा हमारा इजीली कट हो जाएगा, तो मैं 58 को 60 ले रहा हूँ, जिससे ये कितने टाइम्स में चला जाएगा, 12 टाइम्स में, 12 फोर तक कितना हो गया 48। तो एक बात क्लियर है कि चूंकि हमने ज़्यादा लिया इसलिए आंसर हमको ज़्यादा आया है, बट जो आंसर एक्चुअल में होगा वो उससे थोड़ा सा कम होगा, 48 से कम वाला कौन है, एक ही ऑप्शन है, तो इसलिए वो आपके कंसेप्ट को चेक करना चाहता है, कैलकुलेशन को नहीं। नाउ अब जाते जाते एक ज्ञान की बात, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, कि आप गैस फेज रिएक्शन को, अगर आपकी रिएक्शन गैस फेज में, दैट मीन्स सारे रिएक्टेंट गैस हैं, प्रोडक्ट गैस हैं, तो आप ऐसी रिएक्शन को वॉल्यूम में भी सॉल्व कर सकते हैं और प्रेशर में भी, मोल्स में तो कर ही रहे थे, और वॉल्यूम में भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं और प्रेशर में भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लिया C2H4, तो बैलेंस कैसे करेंगे इसको, 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 2, और यहाँ पे 4 और 2 6 हो गए तो यहाँ 3। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि अगर मैं इसका 10 लीटर ले रहा हूँ तो इसका मुझे कितना लेना पड़ेगा, 30, 1:3 रेशियो है तो यहाँ भी 1:3 रेशियो मेंटेन करना है, तो 10 लीटर लूँगा तो इसका 30 लीटर लेना पड़ेगा, इसका 20 लीटर आएगा और इसका भी 20 लीटर आएगा। सिमिलरली अगर मैं प्रेशर में बात करूँ, तो अगर मान लो कि मैंने इसका 2 ATM लिया तो इसका 1:3 से इसका 6 ATM प्रेशर लेना पड़ेगा, इसका कितना बनेगा आपको 2 ATM, और इसका कितना बन जाएगा, सॉरी 4 ATM, क्योंकि 1:2 रेशियो में 4 ATM, और इसका कितना बन जाएगा 4 ATM। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, और वैसे ही मोल्स की बात करें तो अगर मैं इसका 2 मोल्स लेता तो इसका मुझे 6 मोल लेना पड़ता 1:3 रेशियो, इसका 4 मोल और इसका भी 4 मोल। तो कहने का यह मतलब है कि अगर सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस फेज में हो तो इन दैट केस आप वॉल्यूम में डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, प्रेशर में डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, और मोल में तो खैर कर ही रहे थे। तो आई होप मेरा ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप इसी तरह से जुड़े रहिए और कैसे थिंक करना है उस पर वर्क करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे अच्छी ट्रिक आपको और देने वाले हैं। थैंक यू।